वेलकम फ्रेंड्स, जो भी बच्चे कक्षा 10 पास करके 11वीं में आए हैं उनका इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। 11th में जो कंपलसरी इंग्लिश है उसके अंदर दो बुक्स चलती हैं, उनके अंदर पहली बुक है वो फेस्टोन है और दूसरी जो बुक है वो डिलाइट और विजडम है। तो प्यारे बच्चों, जो आपका कोर्स है उसमें रीडिंग सेक्शन के 10 अंक हैं, राइटिंग सेक्शन के 30 अंक हैं, ग्रामर के 30 अंक हैं और जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक हैं अपनी, कौन कौन सी, एक तो पहली बुक फेस्टून और सेकंड बुक डिलाइट एंड विजडम, तो इनके अंदर अपने क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो पहली बुक के अंदर 20 अंक के आएंगे और दूसरी ये जो बुक आज अपन शुरू कर रहे हैं उसके अंदर 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें दो क्वेश्चन हैं वो 50 से 60 शब्दों के होंगे जिनमें से अपन को एक आंसर देना है, और तीन क्वेश्चन हैं वो दो दो अंक के होंगे, उनमें से दो क्वेश्चनों का आंसर अपन को देना है और 20 से 30 शब्दों के अंदर देना है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के अंदर अपन सब मिलकर के इस चैनल के साथ में अपनी जो इंग्लिश है उसकी वीकनेस है उसको दूर करना है, और इसके लिए मैं आपके साथ में कंधे से कंधा लगा करके साल भर आपके साथ में लगा रहूँगा, और इसके लिए आप इस चैनल से आप जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट्स ज़रूर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके जो अन्य साथी हैं उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके, और अपने दोस्तों को इस चैनल को आप शेयर जरूर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज अपना जो डिलाइट एंड विजडम सेकंड बुक है उसका पहला पार्ट आता है गॉड सी द ट्रुथ बट वेट्स, भगवान है वो सत्य को देखता है लेकिन इंतजार करना पड़ता है। दिस लेसन इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय हैं वो एक रूस के अच्छे एसिस्ट और राइटर हैं जिनका यह एक पैथोटिक या करुणामय एक ऐसे है। इस ऐसे के अंदर जो इसका मुख्य सेंट्रल करेक्टर है वो है इवान इकिशनोव। इकिशनोव है वो एक सुंदर व्यक्ति है, व्यापारी है, उसके दो तो घर हैं और एक हॉर्स है उसके बाद में, लेकिन बदकिस्मती से जब वह एक यात्रा पर जा रहा था तो उसके हत्या का जो इल्ज़ाम है उसके अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस प्रकार से उसको अगले जो 26 वर्ष हैं वो साइबेरिया की जो जेल हैं उनके अंदर गुजारने पड़ते हैं, और वहीं की उसकी वहीं पर उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। तो ये इस पाठ का जो सार है मैंने आपको बता दिया। अबाउट द स्टोरी, गॉड सी द ट्रुथ बट वेट्स, भगवान सब कुछ देखता है, सत्य को देखता है लेकिन इंतजार करनी पड़ती है। इज वेरी टचिंग स्टोरी, यह बहुत ही एक मर्म स्पर्शी कहानी है। विच कैरीज द थीम ऑफ गिल्ट एंड फॉरगिवनेस, और इसके अंदर जो दोष और उसको भूल जाना या माफ कर देना है यह इसकी विषय वस्तु है। इट इज अबाउट ए मर्चेंट नेम्ड, और यह एक व्यापारी के बारे में है जिसका नाम है एकिशनोव, हु इज सेंट टू प्रिजन फॉर मर्डरिंग ए मर्चेंट, और उसको एक व्यापारी की हत्या के कारण जेल भेज दिया जाता है। ए क्राइम विच ही हैज नॉट कमिटेड, और एक ऐसे दोष के लिए या एक ऐसे अपराध के लिए जो कि उसने नहीं किया था। एज ए कन्विक्ट इन साइबेरिया फॉर 26 ईयर्स, और इस प्रकार से वह एक अपराधी के रूप में साइबेरिया की जो जेल है उसमें 26 वर्ष तक रहा। एकिशनोव मीट्स मेकर, हु इज द रियल सिनर, एकिशनोव है वो वहाँ पर मेकर नामक व्यक्ति से मिलता है जो कि वास्तविक अपराध करने वाला वही व्यक्ति था। एंड ही कन्फेसेज दैट इट इज ही हु हैज किल्ड द मर्चेंट, और वहाँ पर वह स्वीकार करता है कौन मेकर, कि वो वही व्यक्ति था जिसने उस व्यापारी की हत्या की थी। वेन मेकर आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस, और जब मेकर है वो उसको उसके माफ करने के लिए कहता है, एकिशनोव नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट आल्सो से, तो एकिशनोव है उसने न केवल उसको माफ किया और लेकिन यह भी कहा, मे बी आई एम ए 100 times वर्स देन यू आर, मैं आपसे 100 गुना ज्यादा
बेकार हो सकता हूं, ही इज पर्ज ऑफ ऑल डिजायर। और इस प्रकार से उसने सारी जो इच्छाएं वो त्याग दी। एंड साइलेंटली वेट्स फॉर द लास्ट ओवर टू कम, और इस प्रकार जो अपना अंतिम समय है उसका इंतजार करने लगा, यानी मृत्यु का इंतजार करने लगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ ए मैन रॉन्गफुली अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, और इस जो कहानी की अवधारणा है जिसके अंदर एक व्यक्ति को गलत तरीके से हत्या का जो अपराध लगा दिया जाता है, एंड बैनिश टू साइबेरिया, और उसको साइबेरिया के लिए देश निकाला दे दिया जाता है। आल्सो अपियर्स इन वन ऑफ टॉलस्टॉय प्रीवियस वर्क, और ऐसा ही जो टॉलस्टॉय का पहले का जो काम है उसमें भी दृष्टिपात होता है, वार एंड पीस, जिसका नाम था वार एंड पीस। द ऑथर लियो टॉलस्टॉय इज ए रशियन नॉवलिस्ट रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। तो लियो टॉलस्टॉय हैं वो रशिया के एक उपन्यासकार थे और उनका बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया जाता है उस समय के अंदर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज टू नॉवल्स, और उसके दो उपन्यास हैं उनके लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, वार एंड पीस एंड अन्ना केरिनिना, ये दो उपन्यास हैं उनके लिए उनको जाना जाता है। ही इज नोटेबल फॉर हिज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, और वो अपने इस विचार के लिए जाने जाते हैं जिसमें अहिंसा होती है, प्रतिरोध होता है, एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स, जिसको कि शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एज द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और भगवान का जो साम्राज्य है वो आपके अंदर ही है, ये एक उनकी लेखनी है। विच हैड हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन महात्मा गांधी, और इसके ऊपर जो बहुत गहरा प्रभाव है वो महात्मा गांधी के ऊपर भी था, एंड मार्टिन लूथर किंग, और मार्टिन लूथर किंग है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव इन चीज़ों का था। डियर स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब हम इस जो मुख्य विषय वस्तु है उसको शुरू करते हैं। इन द टाउन ऑफ व्लादिमीर लिव्ड ए यंग मर्चेंट नेम्ड इवान दमित्र एकिशनोव। व्लादिमीर नामक जो कस्बा है उसके अंदर एक व्यापारी रहता था जिसका नाम इवान दमित्र एकिशनोव था। ही हैड टू शॉप्स एंड ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसके दो दुकानें थी और स्वयं का एक घर था। एकिशनोव वाज हैंडसम फेयर हेडेड क्रूली हेयर्ड फेलो, और एकिशनोव है वो सुंदर व्यक्ति था, अच्छे दिमाग वाला व्यक्ति था, घुंघराले उसके बाल थे, फुल ऑफ फन, पूर्ण मजाक किया था, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, और गाने का बहुत ज्यादा शौकीन था। व्हेन क्वाइट ए यंग मैन ही हैड बीन गिवन टू ड्रिंक, और जब वह एक युवा व्यक्ति था तो वह शराब पी लिया करता था, एंड वाज रोटियस व्हेन ही हैड हैड टू मच, और जब वह ज्यादा शराब पी लेता था तो उपद्रवी हो जाया करता था। बट आफ्टर ही मैरिड ही गेव अप ड्रिंकिंग, लेकिन अपनी शादी के बाद में उसने शराब पीना बंद कर दिया, एक्सेप्ट नाउ एंड देन, यदा कदा के अलावा। वन समर एकिशनोव वाज गोइंग टू द निजी फेयर, एक ग्रीष्म के दिन की बात है कि एकिशनोव है वो निजी फेयर के अंदर जा रहा था। एंड एज ही बेड गुड बाय टू हिज फैमिली, और जैसे ही उसने अपने परिवार को अलविदा कहा, हिज वाइफ सेड हिम, उसकी पत्नी है उसने उससे कहा, इवान डू नॉट स्टार्ट टूडे, इवान आज आप जाना शुरू मत करो, आई हैव हैड ए बैड ड्रीम अबाउट यू, मैं आपके बारे में एक बुरा सपना देख चुकी हूँ। एकिशनोव लाफ्ड एंड सेड, एकिशनोव है वो हंसा और उसने कहा, यू आर अफ्रेड दैट व्हेन आई गेट टू द फेयर आई शैल गो ऑन ए स्प्रे, मैं जानता हूँ कि आप इसलिए भयभीत हो कि जब मैं उस मेले में जाऊंगा तो वहां मौज मस्ती करूंगा। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, आई डू नॉट नो वाट आई एम अफ्रेड ऑफ, मैं नहीं जानती कि मैं किस चीज से भयभीत हूं, ऑल आई नो इज दैट आई हैड ए बैड ड्रीम, और जो चीज मैं जानती हूं वो यह है कि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। आई ड्रीम्ड यू रिटर्न फ्रॉम द टाउन, और मैंने देखा है कि जब आप
कस्बे से लौटे हो, एंड वेन यू टुक ऑफ योर कैप, और जब आपने अपनी टोपी को उतारी है, आई सा दैट योर हेयर वॉज क्वाइट ग्रे, तो मैंने देखा कि आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं। अकेशनो लाफ्ड, अकेशनो है वो इस बात पर हंसा, दैट्स ए लकी साइन, यह तो एक भाग्यशाली चिन्ह है, सैड ही, वह बोला। सी इफ आई डोंट सेल आउट ऑल माई गुड्स, और देखो मैं यदि आपकी ये सारी की सारी चीज़ें नहीं बेचूंगा, एंड ब्रिंग यू सम प्रेजेंट फ्रॉम द फेयर, और वहाँ से ये बेच कर के लिए आपके लिए कुछ सामान लेकर के आऊँगा, उपहार लेकर के आऊँगा। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा गुड बाय टू हिज फैमिली, और इस प्रकार जो अकेशनु है उसने अपने परिवार को अलविदा कहा, एंड ड्रो अवे, और चला गया। वेन ही हैड ट्रेवल्ड हाफ वे, और जब उसने आधी दूर यात्रा की, ही मेट ए मर्चेंट होम ही न्यू, एंड दे पुट अप एट द सेम इन फॉर द नाइट, और रास्ते में वह एक व्यापारी से मिला जिसको कि वह जानता था, और वो एक ही धर्मशाला है उसमें उस रात रुके। दे हैड सम टी टूगेदर, उन्होंने साथ साथ में कुछ चाय पी, एंड देन वेंट टू बी इन एट टू बेड इन एट जॉइनिंग रूम, और तब जो पास के ही कमरे हैं उनके अंदर सोने के लिए चले गई। इट वॉज नॉट अकेशनोव हैबिट टू स्लीप लेट, और अकेशनोव है उसकी आदत ऐसी नहीं थी कि वह देर तक जगे। एंड विशिंग टू ट्रेवलिंग वाइल इट वॉज स्टिल कूल, और यह इस चीज़ की इच्छा करते हुए कि वह सुबह ठंड के अंदर यात्रा करेगा, ही अरोज्ड हिज ड्राइवर बिफोर डॉन, उसने अपने चालक को भोर से पहले ही जगा दिया, एंड टोल्ड हिम टू पुट इन द हॉर्सेज, और उसने कहा कि जो घोड़े हैं उनको तैयार कर लो। देन ही मेड हिज वे अक्रॉस टू द लैंडलॉर्ड ऑफ द इन, और उसके बाद में वह सीधा जो मालिक था या जमींदार था, उस धर्मशाल का मालिक था, उसके पास में गया, हु लिव्ड इन ए कॉटेज एट द बैक, जो कि उस धर्मशाला के पीछे एक कॉटेज में रहता था, एंड पेड हिज बिल, और उसका जो बिल है उसका भुगतान कर दिया, एंड कंटिन्यू टू हिज जर्नी, और इस प्रकार से अपनी यात्रा है उसको जारी रखी। वेन ही हैड गोन अबाउट 25 मील्स, और जब वह करीब 25 मील्स गया था, ही स्टॉप्ड फॉर द हॉर्स टू फेड, तो उसने अपने घोड़ों को रोक दिया उनको भोजन खिलाने के लिए। अकेशनोव रेस्टेड वाइल इन द पैसेज ऑफ द इन, और अकेशनोव है वो इस प्रकार से उस धर्मशाला के गलियारे के अंदर आराम करने लग गया। देन ही स्टेप्ड आउट इन टू द पोर्च, और तब उसने उसका जो पोर्च या आहाता था उसमें कदम रखा, एंड ऑर्डरिंग ए शेम्यूअर टू बी हीटेड, और तब आदेश दिया कि एक पानी का जो बर्तन है उसको गर्म कर दिया जाए। गोट आउट हिज गिटार एंड बिगेन टू प्ले, उसने अपनी जो गिटार है उसको ली और उसको बजाने लग गया। सडनली अचानक ए ट्रोइका ड्रोव अप विथ टिंकलिंग बेल से, एंड एन ऑफिशियल एलाइटेड, और तब एक तीन घोड़ों द्वारा चलने वाली जो गाड़ी है वो घंटी की आवाज़ करती हुई आई, और उससे एक अधिकारी नीचे उतरा, फॉलोड बाय टू सोल्जर्स, और उसके पीछे पीछे दो सिपाही भी आ गए। ही केम टू अकेशनोव एंड बिगेन टू क्वेश्चनिंग हिम, वह अकेशनोव के पास में गया और उसे प्रश्न करने लग गया, आस्किंग हिम हु ही वाज एंड व्हेंस ही केम, और उससे कहा कि आप कौन हो और कहां से आए हो। अकेशनोव आंसर्ड हिम फुली, अकेशनोव है उसने उसको पूरा जवाब दिया, एंड सेड, और कहा वोंट यू हैव सम टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ में कुछ चाय नहीं लोगे क्या। बट द ऑफिशियल वेंट ऑन क्रॉस क्वेश्चनिंग, लेकिन वह अधिकारी है वो पर्सन दर पर्सन करता रहा, एंड आस्किंग हिम, और उसको पूछा वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट नाइट, आपने जो अंतिम रात्रि है वो कहाँ गुजारी थी। वर यू अलोन, क्या आप अकेले थे क्या, और विथ ए फेलो मर्चेंट, या किसी साथी व्यापारी के साथ थे। Did you see the other merchant this morning? और क्या उस व्यापारी को आपने इस सुबह देखा। Why did you leave the inn before dawn? और आपने भोर होने से पहले ही उस धर्मशाल को क्यों छोड़ दिया।
अकेश नो वंडर्ड व्हाई ही वाज आस्क्ड ऑल दीज क्वेश्चंस। अब एकेश्नो को आश्चर्य हुआ कि वह उसे इतनी प्रश्न क्यों पूछ रहा है। बट ही डिस्क्राइब्ड ऑल दैट हैड हैपेंड। लेकिन उसने जो कुछ भी घटित हुआ उसका सारा वर्णन कर दिया। एंड देन एडेड, और तब कहा, व्हाई डू यू क्रॉस क्वेश्चन मी एज इफ आई वर ए थिप और ए रोबर। आप मेरे को इतने पर्सन दर पर्सन क्यों पूछ रहे हो जैसे कि या तो मैं कोई चोर हूँ या फिर कोई लुटेरा हूँ। आई एम ट्रेवलिंग ऑन बिजनेस ऑफ माई ओन, मैं मेरे स्वयं के व्यापार के लिए यात्रा कर रहा हूँ। एंड देर इज नो नीड टू क्वेश्चन मी, और मेरे से इतनी ज़्यादा प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। देन द ऑफिशियल कॉलिंग द सोल्जर सेड, और तब उस अधिकारी ने अपनी सिपाहियों को कहा, आई एम द पुलिस ऑफिसर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मैं इस जिले का पुलिस अधिकारी हूँ। एंड आई क्वेश्चन यू बिकॉज द मर्चेंट विथ होम यू स्पेंड लास्ट नाइट, और मैं आपको इतनी प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस व्यापारी के साथ में आपने पिछली रात बिताई थी हैज बीन फाउंड विथ हिज थ्रोट कट, वह अपना गला कटा हुआ पाया गया है। वी मस्ट सर्च योर थिंग्स, और इसलिए हम अवश्य ही आपका जो सामान है उसकी तलाशी करेंगे। दे एंटर्ड टू हाउस, वो घर के अंदर प्रवेश किया। दे एंटर्ड द हाउस, उन्होंने घर में प्रवेश किया। द सोल्जर एंड द पुलिस ऑफिसर अनस्टेप्ड एकेश्नोज लगेज, और वह पुलिस अधिकारी और जो सैनिक हैं सिपाही हैं उन्होंने एकेश्नोव का जो सामान है उसको खोल दिया। एंड सर्च इट, और इसमें तलाशी ली। सडनली द ऑफिसर ड्रू ए नाइफ आउट ऑफ ए बिग क्राइम, और उसी समय अचानक जो पुलिस अधिकारी है उसने एक बड़ा चाकू है वो चीखते हुए बाहर निकाला। हुज नाइफ इज दिस, यह चाकू किसका है। एकेश्नो लुक्ड एंड सींग ए ब्लड स्टेंड नाइफ टेकन फ्रॉम हिज बैग, एकेश्नो ने देखा कि एक रक्त रंजित चाकू है वो उस थैले से बाहर निकाला गया। ही वॉज फ्राइटेंड, और वह भयभीत हो गया। हाउ इज इट देर इज ए ब्लड ऑन दिस नाइफ, यह कैसे हुआ, इस चाकू के ऊपर तो खून है। एकेश्नो ट्राई टू आंसर, एकेश्नो है उसने आंसर या उत्तर देने की कोशिश की। बट कुड हार्डली अटर ए वर्ड, लेकिन मुश्किल से ही वह एक शब्द कह पाया। एंड ओनली स्टेमर्ड, और वह हकलाया, आई डोंट नो नॉट माइन, मैं नहीं जानता ये मेरा नहीं है। देन द पुलिस ऑफिसर सेड, तब उस पुलिस अधिकारी ने कहा, दिस मॉर्निंग द मर्चेंट वाज फाउंड इन बेड विथ हिज थ्रोट कट, इस सुबह जो व्यापारी है वो उस धर्मशाला में अपना जो गला कटा हुआ पाया गया। यू आर द ओनली पर्सन, आप अकेले एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो हु कुड हैव डन इट, जो इस कार्य को कर सकते हो। द जिसने इस कार्य को किया है, द हाउस वाज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, और जो घर है वो अंदर से ताला लगाया हुआ था। एंड नो वन एल्स वाज देयर, और वहाँ पर कोई भी नहीं था। देयर इज दिस ब्लड स्टेंड नाइफ इन योर बैग, और आपके इस थैले के अंदर ये रक्त रंजित चाकू भी है। एंड योर फेस एंड मैनर बिट्रे यू, और आपका चेहरा और आपके जो हाव भाव हैं वो भी आपको धोखा दे रहे हैं। टेल मी हाउ यू किल्ड हिम, आप मेरे को बताओ कि आपने उसको क्यों मारा। एंड हाउ मच मनी यू स्टोल, और आपने कितना धन चुराया। एकेश्नो स्वॉर्ड ही हैड नॉट डन इट, एकेश्नो है उसने सौगंध खाई कि उसने यह कार्य नहीं किया है। दैट ही हैड नॉट सीन द मर्चेंट आफ्टर दे हैड टी टूगेदर, उसने उस व्यापारी को साथ साथ में चाय पीने के बाद में नहीं देखा। दैट ही हैड नो मनी एक्सेप्ट 8,000 रूबल्स, और उसके पास में उसकी स्वयं की जो 8,000 रूपल धन है उसके अलावा कोई पैसा नहीं है। ऑफ हिज ओन, जो उसका स्वयं का है। एंड दैट द नाइफ वॉज नॉट हिज, और वह चाकू है वो भी उसका नहीं है। बट हिज वॉइस वॉज ब्रोकन, लेकिन उसकी आवाज़ है वो टूट गई। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला हो गया। एंड ही ट्रिम्पल्ड विथ फियर, और वह भय से कांप उठा। एज दो ही वेंट गलती, जैसे कि वह उसने दोष कर दिया हो। द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, जो पुलिस अधिकारी है
उसने उन सिपाहियों को आदेश दिया टू बाइंड एकिश्नोव एंड पुट हिम इन द कार्ट, कि एकिश्नोव है इसको बांध लो और इसको गाड़ी में डाल दो। एज दे टाइड हिम फिट टूगेदर, और जैसे ही उसने उसके जो पैर हैं उनको कस करके बांधा, फ्लंग हिम इन टू द कार्ट, और उसको उस गाड़ी में फेंक दिया। एकिश्नोव क्रॉस्ड हिमसेल्फ एंड वेप्ट, एकिश्नोव है उसने अपने आप से प्रसन्न किए और रोने लग गया। हिज मनी एंड गुड्स वर टेकन फ्रॉम हिम, उसका धन और उसका सामान उसे ले लिया गया। एंड ही वाज सेंट टू द नियरेस्ट टाउन, और उसको नजदीक के कस्बे में भेज दिया गया। एंड इम्प्रिजन्ड देयर, और उसको वहां पर कैद कर दिया गया। इंक्वायरीज एज टू हिज करेक्टर वर मेड इन व्लादिमीर, और उसके चरित्र के बारे में उस व्लादिमीर को उस कस्बे के अंदर छानबीन की गई या जांच पड़ताल की गई। द मर्चेंट एंड अदर इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स निवासियों को बोलते हैं, वह व्यापारी और वहाँ के जो अन्य निवासी हैं ऑफ दैट टाउन, उस कस्बे के, सेड दैट इन फॉर्मर डेज, उन्होंने कहा कि पहले के दिनों में ही यूज टू ड्रिंक एंड वेस्ट हिज टाइम, वह शराब पिया करता था और अपना समय खराब करता था। बट देन ही वॉज ए गुड मैन, लेकिन अब वह एक अच्छा व्यक्ति है। देन द ट्रायल कैन ऑन, और जब उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ, ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डरिंग ए मर्चेंट फ्रॉम रियाजान, उसके ऊपर रियाजान कस्बे के अंदर एक व्यापारी का हत्या का केस लगाया गया। एंड रोबिंग हिम ऑफ 20,000 रूबल्स, और उसके जो 20,000 रूबल हैं वो लूटने का आरोप भी उसके ऊपर लगा। हिज वाइफ वॉज इन डेस्पायर, उसकी जो पत्नी है वो हताश थी। एंड डिड नॉट नो वाट टू बी बिलीव, और वह यह नहीं जानती कि किस चीज़ के ऊपर विश्वास किया जाए। हर चिल्ड्रन वर ऑल क्वाइट स्माइल, उसके सभी बच्चे हैं वो बहुत छोटे थे। वन वाज ए बेबी एट हर ब्रेस्ट, और उनमें से एक तो दूध पीता बच्चा था। टेकिंग देम ऑल विथ हर, उनको सबको साथ में लेकर के शी वेंट टू द टाउन वेयर हर हस्बैंड वाज इन जेल, वह कस्बे के अंदर गई जहाँ पर उसका पति जेल में था। एट फर्स्ट सी वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम, सबसे पहले उसको उससे नहीं मिलने दिया गया। बट आफ्टर मच बेगिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा याचना करने के बाद में ही ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम द ऑफिशियल्स, उसने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे अनुमति प्राप्त कर ली। एंड वॉज टेकन टू हिम, और उसको ले जाए उसके पास में ले जाया गया। वेन सी सा हर हस्बैंड इन प्रिजन ड्रेस एंड इन चेंज सेट अप विद द थीव्स एंड क्रिमिनल्स, शी फेल डाउन, और जब उसने अपने पति को कैदी की पोशाक में देखा, जंजीरों से जकड़ा हुआ था और वह चोरों और अपराधियों के बीच में बंद था, यह सारा देख करके वह गिर पड़ी। एंड डिड नॉट कम टू हर सेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय तक वह होश में नहीं आई। देन तब शी ड्रू हर चिल्ड्रन टू हर, तब उसने अपने बच्चे हैं उनको अपनी ओर खींचा। एंड सेट डाउन नियर हिम, और वह उनके पास में बैठ गई। शी टोल्ड हिम ऑफ थिंग्स एट होम, और उसने उसको वहाँ पर जो चीज़ें घर की चीज़ें हैं उसके बारे में बताया। एंड आस्क्ड अबाउट वाट हैड हैपन्ड टू हिम, और उससे पूछा कि उस समय क्या घटित हुआ था। ही टोल्ड हर आल, उसने उसको सब कुछ बता दिया अपनी पत्नी को। एंड शी आस्क्ड, और उसने पूछा वाट कैन वी डू नाउ, अब अपन को क्या करना चाहिए। वी मस्ट पिटिशन द जार नॉट टू लेट एन इनोसेंट मैन पेरिस, जार है वो रूस के अंदर राजा को कहते हैं, हमें अवश्य ही जार के पास में अपनी याचना करनी चाहिए और इस प्रकार से एक इनोसेंट या भोले व्यक्ति को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। हिज वाइफ टोल्ड हिम दैट शी हैड सेंट ए पिटिशन टू द जार, और उसकी पत्नी ने उसको बताया कि वह पहले ही जार के पास में याचना भेज चुकी है, बट लेकिन इट हैड नॉट बीन एक्सेप्टेड, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। एकिश्नोव डिड नॉट रिप्लाई, एकिश्नोव है उसने कोई जवाब नहीं दिया। बट ओनली लुक्ड डाउन कास्ट, केवल वह नीचे की ओर देखता रहा। देन हिज वाइफ सेड, तब उसकी पत्नी ने कहा इट वॉज नॉट फॉर नथिंग आई ड्रीम्ड योर हेयर हैड टर्न्ड ग्रे,
क्या ये चीज़ ऐसी नहीं थी क्या कि मैंने आपको कहा था कि मैंने सपने में आपके जो बाल हैं उनको सफ़ेद हुए देखे हैं। यू रिमेंबर, आपको याद है, यू शुड नोट हैव स्टार्टेड दैट डे, आपको उस दिन यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए थी। एंड पासिंग हर फिंगर्स थ्रो हिज हेयर, और उसने उसके जो बाल हैं उनमें अपनी उंगली चलाई। शी सेड, वो है बोली, इवान डी रेस्ट, प्रिय इवान, टेल योर वाइफ द ट्रूथ, अपनी पत्नी है उसको सत्य बात बताओ। वाज इट नोट यू हु डिड इट, क्या आप ही तो वो व्यक्ति नहीं थे जिसने वो काम किया। सो यू, अरे आप, टू सस्पेक्ट मी, आप भी मेरे पर संदेह करती हो। सैड, कहा अकेश्नोव, अकेश्नोव ने कहा। एंड हाइडिंग हिज फेस इन हिज हैंड्स, और उसने अपने हाथ हैं, अपना चेहरा है वह अपने हाथों में छिपा लिया। ही बिगेन टू वीप, और इस प्रकार वह रोने लगा। देन तब ए सोल्जर केम टू से दैट द वाइफ एंड चिल्ड्रन मस्ट गो अवे, और तब एक सिपाही आया और उसने कहा कि पत्नी और बच्चों को दूर ले जाओ। एंड और अकेश्नोव सेड गुड बाय टू हिज फैमिली फॉर द लास्ट टाइम, और इस प्रकार अकेश्नोव है उसने अपने परिवार को अंतिम बार अलविदा कहा। वेहर देवर गोन, वो कहाँ जाएंगे, उन्हें कहाँ जाना था। अकेश्नोव रिकॉल्ड, अकेश्नोव ने याद किया, वाट हैड बीन सेड, कि क्या कहा गया था। एंड वेन ही रिमेंबर दैट हिज वाइफ आल्सो हैड सस्पेक्टेड हिम, और जब उसने याद किया कि उसकी पत्नी भी उस पर संदेह करती है, ही सेड हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप से कहा, इट सीम्स दैट ओनली गॉड कैन नो द ट्रूथ, कि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ईश्वर है, उसी को सत्य के बारे में मालूम है। इट इज टू हिम, तो बच्चों ये जो हिम है उसके अंदर आप देख रहे हो कि जो एच है वो कैपिटल है, तो कोई भी सेंटेंस के बीच में यदि हिम में एच बड़ा आता है तो वह क्राइस्ट या प्रभु यीशु के लिए आता है, ईश्वर के लिए आता है। तो इट इज टू हिम अलोन, और अब केवल वही है यानी भगवान ही है, वी मस्ट अपील, जिसके पास में हम निवेदन कर सकते हैं। एंड फ्रॉम हिम, और वहां से अलोन एक्सेप्ट मर्जी, और केवल वहीं से अपन दया है उसकी आशा कर सकते हैं। एंड अकेश्नोव रोट नो मोर पिटिशंस, और इसके बाद में अकेश्नोव है उसने और ज्यादा याचनाएं नहीं लिखी। गेव अप ऑल होप, उसने पूरी की पूरी आशा को त्याग दिया। एंड ओनली पेड टू गॉड, प्रे टू गॉड, और अब वह केवल भगवान है उसी की प्रार्थना करता था। अकेश्नोव वाज कंडम्ड टू बी फ्लॉग्ड एंड सेंट टू द माइंस, अब जो अकेश्नोव है उसको दोषी ठहराया गया, उसके कोड़े मारे गए एंड और उसको जो खदाने हैं वहां पर काम करने के लिए भेज दिया। सो ही वाज फ्लॉग्ड विथ ए नोट, और उसके जो कोड़े मारे गए उसके गांठ थी यानी गांठ वाले कोड़ों से उसको कोड़े मारा गया। एंड वेन द वाउंड्स मेड बाय द नोट वर हील्ड, और जब उन कोड़ों से बने हुए जो घाव हैं वो भर गए, ही ड्राइवन टू साइबेरिया विथ अदर कन्विक्ट्स, और उस समय उसे जो अन्य कन्विक्ट्स या जो अन्य अपराधी हैं उनके साथ में साइबेरिया भेज दिया गया। 426 ईयर अकेश्नोव लिव्ड एज ए कन्विक्ट इन साइबेरिया, और पिछले 26 वर्षों से अकेश्नोव है वो साइबेरिया में अपराधी की तरह रह रहा है। हिज हेयर टर्नड वाइट एज स्नो, और उसके बाल हैं वो इतने सफ़ेद हो गए जितनी बर्फ होती है। एंड हिज बियर्ड ग्रू लॉन्ग, और उसकी दाढ़ी बड़ी बढ़ गई, थिन एंड ग्रे, जो पतली थी और भूरी थी। ऑल हिज मिर्थ वेंट, मिर्थ हैप्पीनेस को बोलते हैं, उसकी पूरी की पूरी जो खुशी है वो चली गई। ही स्टॉप्ड, वह झुक गया। ही वॉक्ड स्लोली, वह धीरे धीरे चलता था। स्पोक लिटिल, बहुत कम बोलता था। एंड नेवर लाफ्ड, और कभी भी नहीं हंसता था। बट ही ऑफन प्रेड, लेकिन वह यदा कदा प्रार्थना करता था। इन प्रिजन, जेल के अंदर, अकेश्नोव लर्नड टू मेक बूट्स, अकेश्नोव है उसने जूते बनाना सीख लिया। एंड अर्न ए लिटिल मनी, और वहाँ पर थोड़ा सा धन है वो उसने कमाया। विथ विच, और जिसके द्वारा
ही बोर्ड द लीव्स ऑफ संत से, और उस पैसे से वह संतों का जीवन नामक किताब है वो खरीद करके लाया। ही रीड दिस बुक व्हेन देयर वाज लाइट एनफ इन द प्रिजन, और जब जेल के अंदर पर्याप्त प्रकाश होता था उस समय उस किताब को पढ़ता था। एंड ऑन संडे, और रविवार के दिन इन द प्रिजन चर्च, उस चर्च की जेल के अंदर ही रीड द लेसन्स, वह पाठ पढ़ता था। एंड सेंग इन द क्वायर, और एक समूह के अंदर गाता था। फॉर इज वॉइस वाज स्टिल गुड, क्योंकि उसकी जो आवाज है वो अब भी बहुत अच्छी थी। द प्रिजन अथॉरिटीज लाइक्ड एकेश्नोव फॉर हिज मीकनेस, जो जेल का स्टाफ है वो एकेश्नोव को, या जेल का जो प्रशासन है वो एकेश्नोव को उसकी नम्रता के लिए जानता था। हिज फेलो प्रिजनर रेस्पेक्टेड हिम, और उसके जो साथी कैदी हैं वो भी उसका आदर करते थे। दे कॉल्ड हिम ग्रैंडफादर, और वो उसे दादा नाम से पुकारते थे। एंड और द संत, और जो संत लोग हैं, वेन दे वांटेड टू पिटिशन द प्रिजन अथॉरिटीज, और जब कभी उनको जेल प्रशासन के बाद में कोई प्रार्थना पत्र लिखना होता था अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में, दे ऑलवेज मेड एकेश्नोव देयर स्पोक्स पर्सन, तो ऐसे समय के अंदर वो एकेश्नोव को अपना प्रवक्ता बनाते थे। एंड और व्हेन देयर वर क्वारल अमोंग द प्रिजनर्स, और जब उन कैदियों के बीच में लड़ाई होती, द दे केम टू हिम टू पुट थिंग्स राइट, तो वो उसके पास, वो लोग उसके उनके पास में आते थे जिससे कि चीज़ों को सही किया जा सके। एंड टू जज द मैटर, और उस मामले का निर्णय दिया जा सके। नो आंसर रिज्ड एकेश्नोव फ्रॉम हिज होम, और एकेश्नोव के पास में किसी पर नो न्यूज, किसी भी प्रकार का कोई भी समाचार नहीं था। एंड ही डिड नॉट इवन नो इफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्टिल अलाइव, और उसको ये भी मालूम नहीं था कि उसके जो बच्चे हैं वो अब जिंदा भी हैं या नहीं। वन डे ए फ्रेश गैंग ऑफ कन्विक्ट्स केम टू द प्रिजन, एक दिन कैदियों का जो नया दल है वो जेल के अंदर आया। इन द इवनिंग, शाम के समय, द ओल्ड प्रिजनर्स कलेक्टेड राउंड द न्यू वन से, जो पुराने कैदी हैं वो नयों के चारों ओर इकट्ठे हो गए। एंड आस्क्ड देम व्हाट टाउन्स और विलेजेस दे केम फ्रॉम, और उनसे पूछने लगे कि कौन से गांव और कस्बों से वो लोग आए हैं। एंड व्हाट दे वर सेंटेंस्ड फॉर, और आपको जेल क्यों भेजा गया है। अमोंग द रेस्ट एकेश्नोव सेट डाउन नियर द न्यू कमर्स, और उनके साथ में ही एकेश्नोव है वो भी नए आने वालों के पास में बैठ गया। एंड लिस्टेंड विथ डाउन कास्ट एयर टू व्हाट वाज सेड, और वह उनके पास में बैठ करके नीचे की तरफ दृष्टि करके उनको सुन रहा था कि क्या कहा जा रहा है। वन ऑफ द न्यू कन्विक्ट्स ए टाल स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ 60, और उनमें से एक अपराधी जो एक लंबा व्यक्ति था और 60 वर्ष का एक मजबूत व्यक्ति था, विद ए क्लोजेस्ट क्रॉप्ड ग्रे, और उसकी बहुत ही छोटी छोटी कटी हुई ग्रे बियर्ड, भूरे रंग की दाढ़ी थी। वाज टेलिंग द अदर्स, वह अन्य व्यक्तियों को कह रहा था व्हाट ही हैड बीन अरेस्टेड फॉर, कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। वेल फ्रेंड्स, अच्छा दोस्तों, ही सेड, वह बोला, आई ओनली टुक ए हॉर्स दैट वाज टाइड टू ए स्लेज, मैंने मात्र एक उस घोड़े को लिया था जो एक स्लेज गाड़ी के बंधे हुआ था। एंड आई वाज अरेस्टेड एंड अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, और इस प्रकार से मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी के लिए दोषी ठहराया गया। आई सेड आई हैड ओनली टेकन इट टू गेट होम क्यूकर, और मैंने उनको कह दिया कि मैंने तो इस घोड़े को घर जल्दी जाने के लिए लिया था। एंड हैड देन लेट इट गो, और मेरे को जाने दो। बिसाइड्स, इसके अलावा, द ड्राइवर वाज ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन, और जो ड्राइवर है वो मेरा व्यक्तिगत मित्र था। सो आई सेड, इसलिए मैंने कहा, इट्स ऑल राइट, ये सारी चीजें सही हैं। नो, नहीं, सेड दे, उन्होंने कहा, यू स्टोल इट, आपने इसको चुराया है, बट, लेकिन, हाउ और वेयर आई स्टोल इट, मैंने इसे कहाँ से और कैसे चुराया।
दे कुड नोट से वो नहीं कह पाए। आई वंस रियली डिड समथिंग रॉन्ग, एक बार मैंने अवश्य ही एक गलत काम किया था। एंड आउट बाई राइट्स टू हैव कम हियर लॉन्ग अगो, और मैं कानून के द्वारा यहाँ पर बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। बट दैट टाइम आई वॉज नो फाउंड आउट, लेकिन उस समय मेरा पता नहीं लगा। नाउ आई हैव बीन सेंट देयर फॉर नथिंग एट ऑल, और अब की बार मेरे को यहाँ पर बिना किसी चीज के लिए ही भेज दिया गया। आह अरे, बट इट्स लाई आई एम टेलिंग यू, लेकिन ये झूठ है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आई हैव बीन टू साइबेरिया बिफोर, मैं साइबेरिया में पहले भी आ चुका हूँ। बट आई डिड नॉट स्टे लॉन्ग, लेकिन मैं यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रुका। वेयर आर यू फ्रॉम, आस्क्ड समवन, उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो। फ्रॉम व्लादिमीर, व्लादिमीर कस्बे से आया हूँ। माई फैमिली आर ऑफ दैट टाउन, मेरा परिवार है वो उसी कस्बे से है। एंड माई नेम इज मेकर, और मेरा नाम मेकर है। एंड दे आल्सो कॉल मी सेम्यूनिच, और वो लोग मेरे को सेम्यूनिच के नाम से भी पुकारते हैं। अकेश्नोव रेज्ड हिज हेड एंड सेड, अकेश्नोव है उसने अपना सिर उठाया और कहा, टेल मी सेम्यूनिच, सेम्यूनिच मेरे को बताओ, डू यू नो एनीथिंग ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ अकेश्नोव ऑफ व्लादिमीर, क्या आप व्लादिमीर कस्बे के जो अकेश्नोव व्यापारी हैं उनके बारे में जानते हो क्या। आर दे स्टिल अलाइव, क्या वे अभी जिंदा हैं। नो देम, उनको जानना, ऑफ कोर्स निसंदेह, आई डू, मैं जानता हूँ। द अकेश्नोव आर रिच, जो अकेश्नोव लोग हैं वो धनवान हैं। दो देयर फादर इज इन साइबेरिया, हालांकि उनका जो पिताजी है वो साइबेरिया में है। ए सिनर लाइक ओवर सेल्फ, और वो हमारी तरह एक पापी व्यक्ति है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। एज फॉर यू, जैसे कि आपके लिए, ग्रांड दादा, ग्रांड दादा। हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ पर कैसे आए। अकेश्नोव डिड नॉट लाइक टू स्पीक ऑफ हिज मिसफॉर्चून, अकेश्नोव है वो अपने दुर्भाग्य के बारे में नहीं बताना चाहता था। ही ओनली साइड, उसने केवल आह भरी एंड सेड, और कहा, फॉर माई सिंस, मेरे अपराध के लिए, आई हैव बीन इन प्रिजन दीज 26 ईयर्स, और इस प्रकार मैं पिछले 26 वर्ष से जेल के अंदर हूँ। वाट सिंस, कौन सा अपराध या कौन सा पाप, आस्क्ड मेकर सेम्यूनिच, मेकर सेम्यूनिच है उसने उसको पूछा। बट अकेश्नोव ओनली सेड, लेकिन अकेश्नोव ने केवल कहा, वेल ठीक है, वेल आई मस्ट हैव डिजर्व इट, ठीक है मैं इसके योग्य था। ही वुड हैव सेड नो मोर, और वह ज्यादा कुछ भी नहीं कह पाया। बट हीज कंपेनियंस टोल्ड द न्यू कमर्स, लेकिन उसके जो साथी लोग हैं उन्होंने नए आने वालों को बताया, हाउ अकेश्नोव केम टू बी इन साइबेरिया, कि तो अकेश्नोव है वो किस तरह से साइबेरिया में आया। हाउ समवन हैड किल्ड ए मर्चेंट, और किस तरह से किसी व्यक्ति ने एक व्यापारी को मार दिया था। एंड हैड पुट द नाइफ अमोंग अकेश्नोव थिंग्स, और अकेश्नोव की जो चीजें हैं उनमें उस चाकू को छुपा दिया। एंड अकेश्नोव हैड बीन अनजस्टली कंडम्ड, और इस प्रकार से अकेश्नोव है उसको गैर न्यायिक रूप से दोषी ठहराया गया। वेन मेकर सेम्यूनिच हर्ड दिस, और जब मेकर सेम्यूनिच है उसने इस चीज को सुना। ही लुक्ड एट अकेश्नोव, तो उसने अकेश्नोव की ओर देखा। स्लेप्ड हिज ओवन नी, उसने अपने घुटने के ऊपर मारा। एंड एक्सक्लेम्ड, और आश्चर्य किया, वेल ठीक है, दिस इज वंडरफुल, यह एक आश्चर्यजनक चीज है। रियली वंडरफुल, वास्तव में आश्चर्यजनक चीज है। बट हाउ ओल्ड यू हैव ग्रोन ग्रांड दादा, लेकिन आप कितने वर्ध हो चुके हो ग्रांड दादा। द अदर्स आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो सरप्राइज्ड, अन्य व्यक्तियों ने पूछा कि आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हुए। एंड वेयर ही हैड सीन अकेश्नोव बिफोर, और आपने कहाँ अकेश्नोव को पहले देखा था। बट मेकर सेम्यूनिच डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन मेकर सेम्यूनिच है उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली सेड, उसने केवल कहा, इट्स वंडरफुल
दैट वी शुड मीट हियर लेट से, यह बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है कि हम पहले कभी, वी शुड मीट हियर, हमें यहाँ मिलना चाहिए था, लेट्स यानी लड़के। दीज वर्ड्स मेड अकिष्णु वंडर, और ये जो शब्द हैं वो अकिष्णु को आश्रय में डाल दिया। वेदर दिस मैन न्यू हु हैड किल्ड द मर्चेंट, या तो ये व्यक्ति जानता है कि उस व्यापारी को किसने मारा था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, परहैप्स शिनुनिच, शायद शिनुनिच, यू हैव हर्ड ऑफ द अफेयर, आपने अवश्य ही उस मामले के बारे में सुना होगा, और मे बी यू हैव सीन मी बिफोर, और हो सकता है आपने मेरे को पहले कभी देखा हो। हाउ कुड आई हेल्प हियरिंग, मैं उसको कैसे सुन सकता था। द वर्ड्स फुल ऑफ रूमर्स, वहां पर अफवाह है वो बहुत फैली हुई थी। बट इट्स ए लॉन्ग टाइम, और यह एक लंबा समय हो गया है। एंड आई हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हर्ड, और मैं उन सब चीजों को भूल गया जो मैंने सुनी थी। परहैप्स यू हर्ड हु किल्ड द मर्चेंट, और शायद आपने वो चीजें सुन ली हैं कि हु किल्ड द मर्चेंट, कि व्यापारी को किसने मारा। आस्क्ड अकिष्णु, अकिष्णु ने पूछा। मेकर सेमोनिच लाफ्ड, मेकर सेमोनिच है वो हंसा। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, इट मस्ट हैव बीन हिम इन हुज बैग द नाइफ वॉज फाउंड, इट मस्ट हैव बीन हिम, यह वही हो सकता है जिसके बैग के अंदर वो चाकू पाया गया। इफ समवन एल्स हिड द नाइफ देयर, और यदि कोई अन्य व्यक्ति उस चाकू को वहां पर छुपाता, ही इज नॉट ए थिप टिल ही हैज काट, तो वो जब तक चोर नहीं हो सकता जब तक कि वो पकड़ा नहीं जाता। एज द सेइंग इज, जैसी की कहावत है। हाउ कुड एनी वन पुट ए नाइफ इन टू योर बैग, कोई व्यक्ति आपके बैग के अंदर चाकू कैसे रख सकता है। वाइल इट वॉज अंडर योर हेड, जबकि वो आपके सिर के नीचे था, क्या बैग या थैला। इट वुड श्योरली हैव वोकन अप यू, और निश्चित ही यह आपको जगा देता। वेन अकिष्णु हर्ड दीज वर्ड, और जब अकिष्णु ने यह शब्द सुने, ही फेल्ट श्योर दिस वॉज द मैन हु हैड किल्ड द मर्चेंट, तब वह आश्वस्त हो गया कि यही वह व्यक्ति है जिसने उस व्यापारी को मारा था। ही रोज एंड वेंट अवे, वह उठा और चला गया। ऑल दैट नाइट अकिष्णु ले अवेक, और उस पूरी रात अकिष्णु है वो जगता रहा। ही फेल्ट टेरिबली अनहैप्पी, और वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ। एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमेजेज रोज इन हिज माइंड, और सभी प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो उसके दिमाग के अंदर आई। देयर वॉज द इमेज ऑफ हिज वाइफ, वहाँ पर उसकी पत्नी की तस्वीर थी। एज शी वॉज वेन ही पार्टेड फ्रॉम हर टू गो टू द फेयर, और वो तस्वीरें जिस समय वो मेले पर जाने के लिए उसे अलग हुआ था। ही सा हर एज इफ शी वर प्रजेंट, और उसने ऐसे देखा जैसे कि वो वहाँ पर उपस्थित हो। हर फेस एंड हर आइज रोज बिफोर हिम, उसका चेहरा और उसकी आंखें उसके सामने आ गई। ही हर्ड हर स्पीक एंड लाफ, उसने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी हंसी सुनी। देन तब ही सा हिज चिल्ड्रन, उसने उसके बच्चों को देखा। क्वाइट लिटिल, वो बहुत छोटे थे। एज दे वर एट दैट टाइम, जैसे कि उस समय पर वो थे। वन विथ ए लिटिल क्लॉक ऑन, और उनमें से एक तो कपड़ों में ही था। अनोदर एट हिज मदर ब्रेस्ट, और दूसरा है वो दूध पीता था। एंड देन ही रिमेम्बर्ड हिमसेल्फ एज ही यूज टू बी यंग एंड मैरी, और तब उसने अपने आप को याद किया कि वह कैसे जवान था और प्रसन्न था। ही रिमेम्बर्ड हाउ ही सेट प्लेइंग द गिटार इन द पोर्च ऑफ द इन, उसने याद किया कि किस तरह से उस जो धर्मशाला का आता है उस या बरामदा है उसके अंदर सितार बजा रहा था। वेयर ही वॉज अरेस्टेड, जहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया था। एंड हाउ फ्री फ्रॉम केयर ही हैज बीन, और किस तरह से वह स्वतंत्र था। ही वॉज ही सा, उसने देखा इन हिज माइंड, अपने दिमाग के अंदर। द प्लेस वेयर ही वॉज फ्लोट, कि जिस जगह पर उसको कोड़े मारे गए थे। द एग्जीक्यूशनर, और जो जल्लाद है। एंड द पीपुल स्टैंडिंग अराउंड, और वो लोग जो उसके चारों ओर खड़े हुए थे। द चेंज, वो जंजीरें।
द कन्विक्ट्स वो अपराधी ऑल द 26 ईयर ऑफ हिज प्रिजन लाइफ और उसके इस जेल के पूरे के पूरे 26 वर्ष एंड हिज प्री मेच्योर ओल्ड एज और वो है उसकी जो युवावस्था द थॉट ऑफ इट ऑल मेड हिम सो रेज्ड और इन सब चीजों के बारे में जब उसने सोचा तो उसको बहुत ही दयनीय या दुखी बना दिया दैट ही वॉज रेडी टू किल हिमसेल्फ और अब वह अपने आप को मारने के लिए तैयार था एंड इट्स ऑल दैट विलियंस डूइंग और ये सब चीजें हैं वो इस खलनायक ने किए हैं थॉट अकोस ने सोचा एंड हिज एंगर वॉज सो ग्रेट अगेंस्ट मेकर शेम्योनिच और इस प्रकार उसका गुस्सा है वो मेकर शेम्योनिच के खिलाफ बहुत ज्यादा था ही लॉन्ग्ड फॉर वेंजेंस वह बदले की कामने करने लगा इवन इफ ही हिमसेल्फ शुड पेरिश फॉर इट और इसने मेरे स्वयं को बर्बाद कर दिया ही केप्ट रिपीटिंग प्रेयर ऑल नाइट और वह रात भर प्रार्थना जारी रखी बट कुड गेट नो पीस लेकिन उसको किसी प्रकार की कोई शांति नहीं मिली ड्यूरिंग द डे और दिन के दौरान ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान ही डिड नॉट गो नियर मेकर शेम्योनिच वह मेकर शेम्योनिच के पास में नहीं गया नोर इवन लुक एट हिम और ना ही उसकी ओर देखा ए फोर्थ नाइट पास्ट इन दिस वे और इस तरीके से एक पखवाड़ा गुजर गया अकेशनव कुड नॉट स्लीप एट नाइट और अकेशनव है वह रात को नहीं सो सका एंड वॉज सो मिजरेबल दैट ही डिड नॉट नो वाट टू डू और वह इतना दुखी था कि उसे नहीं मालूम था कि क्या किया जाए वन नाइट एज ही वॉज वॉकिंग अबाउट द प्रिजन एक रात को जब वह जेल के अंदर चल रहा था ही नोटिस्ड सम अर्थ दैट केम रोलिंग आउट फ्रॉम अंडर वन ऑफ द स्लेव्स तो उसने देखा कि जो कुछ मिट्टी है वो एक ताक के नीचे से लुढ़क करके आ रही है सो विच द प्रिजनर स्लेप्ट हालांकि सारे के सारे जो कैदी हैं वो सोए हुए हैं ही स्टॉप्ड टू सी वाट इट वॉज और वह इसलिए रुका कि क्या हो रहा था सडनली मेकर शेम्योनिच क्रिप्ट आउट और अचानक ही मेकर शेम्योनिच है वो रेंग करके बाहर आया फ्रॉम अंडर द सेल्फ उस ताक से एंड लुकड अप एट एकेशनोव और उसने एकेशनोव की ओर देखा विथ फ्राइटेंड फेस भयभीत चेहरे से अकेशनोव ट्राइड टू पास विदाउट लुकिंग एट हिम और अकेशनोव है वह वहां से उसकी ओर बिना देखे ही गुजर गया बट लेकिन मेकर सीज्ड हिज हैंड एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड डग ए होल अंडर द वॉल मेकर है उसने अपने हाथ जोड़ लिए और उसको कहने लग गया कि वह दीवार के नीचे एक सुरंग खोद रहा था गेटिंग रिड ऑफ यानी यहाँ से छुटकारा पाने के लिए द अर्थ बाय पुटिंग इट इनटू हिज हाई बूट्स और इसलिए उसने उस मिट्टी को अपने ऊंचे जूतों के अंदर लिया एंड इम्पिटी इट आउट एवरी डे और वह प्रत्येक दिन इसको बाहर खाली कर देता ऑन द रोड सड़क के ऊपर व्हेन द प्रिजनर्स वर ड्राइविंग टू देयर वर्क जिस समय जो अन्य कैदी हैं वो अपने काम के ऊपर ले जाए जाते थे जस्ट यू कीप क्वाइट आपको चुप रहना है ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति एंड यू शैल गेट आउट टू और आप भी मेरे साथ में बाहर जा सकते हो इफ यू बिलीव और यदि आपने भेद खोल दिया BLAV बिलीव यानी भेद खोलना दे विल फ्लोग द लाइफ आउट ऑफ मी और वो लोग मेरी कोड़े मार मार के मेरी जान निकाल देंगे बट आई विल किल यू फर्स्ट लेकिन उससे पहले मैं आपको मार दूंगा अकेशनोव ट्रिम्बल्ड विथ एंगर अकेशनोव है वो क्रोध से कांपने लगा एज ही लुक्ड एट हिज एनिमी जैसे ही उसने अपने दुश्मन को देखा ही ड्र्यू हिज हैंड अवे उसने अपने हाथ दूर कर लिए सेइंग कहते हुए आई हैव नो विश टू एस्केप मैं बचना नहीं चाहता हूँ एंड यू हैव नो नीड टू किल मी और आपको मेरे को मारने की आवश्यकता नहीं है यू किल्ड मी लॉन्ग अगो आपने तो मेरे को बहुत पहले ही मार दिया था एज टू टेलिंग यू
और यह कहते हुए आई मे डू सो और नोट कि मैं ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा, एज गॉड सेल डायरेक्ट जैसा भगवान आदेश देगा वैसा ही होगा। नेक्स्ट डे अगले दिन वेन द कन्विक्ट्स वर लेड आउट टू वर्क, जब अपराधी हैं उनको काम के लिए बाहर ले जाया गया, द कन्वे सोल्जर्स नोटिस्ट, तो जो रक्षक दल है उसने देखा, दैट वन और अदर ऑफ द प्रिजनर्स एम्पिटेड सम अर्थ आउट ऑफ हिज बूट, तो उन्होंने देखा कि एक या जो अधिक कैदी हैं उन्होंने अपना अपने बूट से मिट्टी खाली कर रहे हैं। द प्रिजनर वाज सर्च्ड एंड द टनल फाउंड, और इस प्रकार से जो प्रिजन यानी वो कैद है उसको खोज लिया गया जहाँ पर जो टनल या सुरंग थी। द गवर्नर केम एंड क्वेश्चन ऑल द प्रिजनर्स, और गवर्नर है वो वहाँ पर आया और उसने उनसे प्रश्न किए, टू फाइंड आउट हु हैड डग द होल, यह पता लगाने के लिए कि किस व्यक्ति ने यह होल या सुरंग है या छेद को खोदा था। दे आर डिनाइड आर नॉलेज ऑफ इट, उन सब लोगों ने इस पूरी के पूरे की जो जानकारी है उसे इनकार कर दिया। दोज हु न्यू वुड नॉट बिट्रे मेकर सेम्यूनिच, और उन व्यक्तियों में जो ये जानता था वो मेकर सेम्यूनिच को धोखा नहीं देना चाहते थे। नोइंग ये जानते हुए ही वुड बी फ्लॉग्ड ऑलमोस्ट टू डेथ कि उसको मरने तक कोड़े मारे जाएंगे। एट लास्ट द गवर्नर टर्न टू एकिश्नोई, और अंत में जो गवर्नर है वो एकिश्नोई की ओर मुड़ा, होम ही न्यू टू बी ए जस्ट मैन, जिसको कि वह एक अच्छा व्यक्ति है वो मानता था। एंड सेड और कहा यू आर ए ट्रूथफुल ओल्ड मैन, आप एक विश्वास पात्र या सत्यवादी वर्द व्यक्ति हो। टेल मी, मेरे को बताओ, बिफोर गॉड भगवान के लिए, हु डग द होल, कि किस व्यक्ति ने वह सुरंग खोदी थी। मेकर सेम्यूनिच स्टूड एज इफ ही वर क्वाइट अनकंसर्नड, और मेकर सेम्यूनिच है वो बिल्कुल उस तरह से खड़ा हुआ था कि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। लुकिंग एट द गवर्नर एंड नॉट सो मच एट एज ग्लांसिंग एट एकिश्नोई, वह केवल गवर्नर की ओर देख रहा था और उसने एकिश्नोई की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। एकिश्नोई लिप्स एंड हैंड्स ट्रेम्बल्ड, एकिश्नोई है उसके होठ और उसके हाथ हैं वो कांपे। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट अटर ए वर्ड, और उसने लंबे समय तक एक भी शब्द नहीं कहा। ही थॉट, उसने सोचा, व्हाई शुड आई सर्च हिम हु रुइंड माई लाइफ, कि क्यों मैं उस व्यक्ति को यानी वाई शुड आई स्क्रीन हिम, कि क्यों मैं उस व्यक्ति को खोजूं हु रुइंड माई लाइफ, जिसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेट हिम पे फॉर, इसको इसके लिए भुगतने दो, व्हाट आई हैव सफर्ड, और मैंने कितना दुख झेला है। बट इफ आई टेल, लेकिन मैं बता दूंगा, दे विल प्रोबेबली फ्लॉग द लाइफ आउट ऑफ हिम, और संभवतः वो लोग उसके कोड़े मार मार के उसका जीवन निकाल देंगे। एंड मे बी आई सस्पेक्ट हिम रोंग, और हो सकता है कि मैं भी उसके ऊपर गलत संदेह कर रहा हूँ। एंड आफ्टर ऑल, और इन सब चीज़ों के बावजूद, व्हाट गुड वुड इट टू बी नी टू मी, और कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी होने वाली है। वेल, ठीक है ओल्ड मैन, वर्द व्यक्ति, रिपीटेड द गवर्नर, उस गवर्नर ने इस चीज को दोहराया, टेल मी द ट्रुथ, आप मेरे को वो सत्य बताओ, हु हैज बीन डिगिंग अंडर द वॉल, कि कौन व्यक्ति है वो उस दीवार के नीचे खोज रहा था। एकिश्नोई ग्लांस्ड एट मेकर सेम्यूनिच, एकिश्नोई है उसने मेकर सेम्यूनिच है उसके ऊपर नजर डाली, एंड सेड और कहा, आई कैन नॉट से योर होनर, मैं नहीं कह सकता आपके सम्मान के लिए, इट इज नॉट गॉड्स विल, और ना ही ये भगवान की इच्छा है, दैट आई शुड टेल, कि मैं कुछ कहूँ। डू वाट यू लाइक विथ मी, आप मेरे साथ वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहो। आई एम इन योर हैंड्स, मैं आपके हाथों के अंदर हूँ। हाउ एवर, तथापि, मस्ट द गवर्नर ट्राइड, उस गवर्नर ने खूब कोशिश की, एकिश्नोई वुड से नो मोर, लेकिन एकिश्नोई है
उसने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, एंड सो द मैटर हैड टू बी लेफ्ट, और इस प्रकार से इस मामले को यहीं पर छोड़ दिया गया। दैट नाइट, उस रात को, व्हेन एकेश्नो वाज लेइंग ऑन हिज बेड, जब एकेश्नो है वह अपने बिस्तर के अंदर लेटा हुआ था, एंड जस्ट बिगनिंग टू डोज, और जब वह झपकी लेने ही वाला था, समवन केम क्वाइटली, कोई व्यक्ति है वो चुपचाप उसके पास में आया, एंड सेट डाउन ऑन हिज बेड, और वह उसके बिस्तर के पास में बैठ गया। ही पियर्ड थ्रू द डार्कनेस, उसने उस अंधेरे से उसकी ओर झांका, एंड रिकॉग्नाइज द मेकर, और उस मेकर को पहचान लिया। वाट मोर डू यू वॉन्ट ऑफ मी, अब आप और क्या ज्यादा मेरे साथ में करना चाहते हो, आस्क्ड एकेश्नो, एकेश्नो ने पूछा। वाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ पर क्यों आए हो। मेकर शेम्यूनिच वाज साइलेंट, मेकर शेम्यूनिच है वो चुपचाप था। सो एकेश्नो सेट अप एंड सेट, और इसलिए एकेश्नो है वो बैठ गया और कहा, वाट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो, गो अवे, चले जाओ, और आई विल कॉल द गार्ड, या फिर मैं जो गार्ड है उसको बुलाऊंगा। मेकर सेम्योनिच बेंड क्लोज ओवर एकेश्नो, मेकर सेम्योनिच है वह उस एकेश्नो के पास में बहुत नीचे झुक गया, एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाया, आई इवान द मित्रिच फॉरगिव मी, मेरे को माफ कर दो।